नमस्कार। आज हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सिलेबस में जो नर्सिंग एजुकेशन सिलेबस है वो यहाँ पर देखेंगे। नर्सिंग एजुकेशन या एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये है फिफ्थ सेमेस्टर में, तो यूनिट फर्स्ट में है। इसमें इंट्रोडक्शन एंड थियोरेटिकल फाउंडेशंस, एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, एम्स, अप्रोचेज एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देन लेटेस्ट अप्रोचेज टू एजुकेशन, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। देन है एजुकेशनल फिलोसफी, डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी, एजुकेशन एंड फिलोसफी, कंपेरिजन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज एंड फिलोसफी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। देन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, डेफिनेशन, टीचिंग लर्निंग एज प्रोसेस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बैरियर्स ऑफ टीचिंग, बैरियर्स टू टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज, लेटेस्ट अप्रोच टू लर्निंग, एक्सपेरियंशियल लर्निंग, देन रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सीनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग। देन आती है यूनिट सेकेंड, इसमें है असेसमेंट एंड प्लानिंग, असेसमेंट ऑफ टीचर, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, टीचिंग स्टाइल, फॉर्मल अथॉरिटी, डेमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, असेसमेंट ऑफ लर्नर, टाइप्स ऑफ लर्नर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग नीड्स, रेडीनेस टू लर्न, लर्निंग स्टाइल्स, टूडेज जनरेशन ऑफ लर्नर्स एंड देयर स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर, मोटिवेशनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर एंड सपोर्ट सिस्टम। देन कैरिकुलम प्लानिंग, कैरिकुलम डेफिनेशन टाइप्स, कैरिकुलम डिजाइन कंपोनेंट्स एंड अप्रोचेज, कैरिकुलम डेवलपमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैरिकुलम डेवलपमेंट, फैसिलिटेटर्स एंड बैरियर्स, राइटिंग लर्निंग आउटकम्स, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग कोर्स प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। देन आती है यूनिट थर्ड, इसमें है इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग इन क्लासरूम एंड स्किल लैब टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज, क्लासरूम कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटर एंड बैरियर्स टू क्लासरूम कम्युनिकेशन, देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ICT यूज इन एजुकेशन, टीचिंग मेथड, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, माइक्रो टीचिंग, स्किल लैब, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड री डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, साइंटिफिक वर्कशॉप, एग्जीबिशंस, देन रोल प्ले, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप्स, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, वन टू वन इंस्ट्रक्शन, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, टीम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पीयर शेयरिंग, केस स्टडी एनालिसिस, जर्नलिंग, डिबेट, गेमिंग, इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन। देन आती है यूनिट फोर्थ, इसमें है टीचिंग इन क्लिनिकल सेटिंग, टीचिंग मेथड, क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेलेक्शन ऑफ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिस मॉडल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव क्लिनिकल टीचर, राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम, प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज, क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज, पेशेंट असाइनमेंट, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, क्लिनिक प्रेजेंटेशन, बेडसाइड क्लिनिक, केस स्टडी, केयर स्टडी, नर्सिंग राउंड्स, कंसेप्ट मैपिंग, प्रोजेक्ट डिबेट, गेम, रोल प्ले, PBL, क्वेश्चनिंग, रिटर्न असाइनमेंट, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। देन आती है यूनिट फिफ्थ, एजुकेशनल एंड टीचिंग मीडिया, मीडिया यूज, पर्पस, कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स, टाइप्स ऑफ मीडिया, स्टिल, विजुअल्स, नॉन प्रोजेक्टेड, ड्राइंग एंड डायग्राम, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, कार्टून, बोर्ड डिवाइसेज, चाक, व्हाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, प्लैनल बोर्ड, फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड, स्टिल पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, प्रिंटेड मटेरियल, हैंडआउट्स, लीफलेट्स, ब्राउचर्स, फ्लायर, प्रोजेक्टेड में फिल्म स्ट्रिप्स, माइक्रोस्कोप, पावर पॉइंट स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मूविंग विजुअल्स में वीडियो लर्निंग रिसोर्सेज, वीडियो टेप, DVD, ब्लूरे, USB फ्लैश ड्राइव, मोशन पिक्चर्स, फिल्म, रियलिया एंड मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो मीडिया, ऑडियो टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डिजिटल ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर लर्निंग रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स, वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग,
स्मार्ट क्लासरूम, टेलीकम्युनिकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, केबल टीवी, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, टेली हेल्थ, टेली नर्सिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आती है सिक्स्थ यूनिट, असेसमेंट इवेल्यूएशन मेथड्स एंड स्ट्रेटजी। पर्पज, स्कोप एंड प्रिंसिपल इन सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट मेथड्स एंड टाइप्स। बैरियर टू इवोल्यूशन इवेल्यूएशन, गाइडलाइंस टू डेवलप असेसमेंट, टेस्ट, असेसमेंट ऑफ नॉलेज, एसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल रेस्पॉन्स एंड मल्टीपल रेस्पॉन्स। असेसमेंट ऑफ स्किल, क्लिनिकल इवेल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, वीडियो टिप्स। देन रिटन कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस नोट, नर्सिंग केयर प्लान्स, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, रिटन असाइनमेंट, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एग्जामिनेशन, सिमुलेशन। देन ऑस्की, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन सेल्फ इवेल्यूएशन, क्लिनिक पोर्टफोलियो, क्लिनिकल पोर्टफोलियो, क्लिनिकल लॉग्स, असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड स्केल्स, असेसमेंट टेस्ट फॉर हायर लर्निंग, इंटरप्रिटेड क्वेश्चन, हॉटस्पॉट क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ऑर्डर रेस्पॉन्स क्वेश्चन। देन आती है सेवन्थ यूनिट, गाइडेंस एंड अकेडमिक एडवाइजिंग, काउंसलिंग एंड डिसिप्लिन, गाइडेंस, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पर्पज, प्रिंसिपल, रोल ऑफ अकेडमिक एडवाइजर, फैकल्टी इन गाइडेंस, काउंसलिंग, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, प्रिंसिपल, टाइप्स, प्रोसेस एंड स्टेप ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग स्किल, टेक्निक्स, बेसिक्स, रोल ऑफ काउंसलर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज, इशूज़ फॉर काउंसलिंग नर्सिंग स्टूडेंट, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस इन स्टूडेंट, मैनेजिंग डिसिप्लिनरी ग्रीवेंस प्रॉब्लम, प्रिवेंटिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, रोल ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कमिटी। देन आती है एट्थ यूनिट, एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन, एथिक्स रिव्यू, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग, वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इथिकल डिसीजन मेकिंग, इथिकल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप, एविडेंस बेस्ड टीचिंग इंट्रोडक्शन। देन एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन। तो ये था बी एस सी नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन फिफ्थ सेमेस्टर।